Hello friend, welcome to my dream kitchen. Today is our dish is keto special. In keto special, आज जो है वो मैं बनाऊँगी चेरी बार, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगा. और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? ओट्स मैंने 1 कप लिया हुआ है. ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिसे मैंने चॉप करके रखा हुआ है. इसमें पिस्ता है, कैसियो नट है और किशमिश है. ये चेरी है, रेड चेरी, डेट्स, आलमंड एंड जैगरी, जिसे हम हिंदी में गुड़ बोलते हैं. और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे घी लिया है. तो चलिए हम लोग अपना डिश प्रिपेयर करते हैं. फर्स्ट स्टेप में मैंने एक पैन रख दिया है. अब इस पैन में विदाउट एनी ऑयल घी मैंने जो मेरा ओट्स है वो डाल दूँगी. इस तरह से ओट्स एंड आलमंड, इन दोनों को हम अच्छी तरह भून लेंगे थोड़ा गोल्डन होने तक. इस तरह से हम इन्हें भून लेंगे 5 मिनट के लिए. हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे. हमारा ओट्स है वो गोल्डन हो चुका है. अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा जैगरी है उसे मेल्ट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे. मैंने इसमें घी डाला है और ये 50 ग्राम जैगरी गुड़. इसे हम अच्छी तरह मिलाएंगे जब तक ये पूरी तरह मेल्ट ना हो जाए. ये जो जैगरी है हमारा, ये इट्स डिपेंड ऑन क्वांटिटी. अगर हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है तो उस हिसाब से हम उसका 1/4 अपने हम जैगरी लेंगे. हमारा जैगरी मेल्ट हो चुका है. अब इसमें हम अपना ओट्स डालेंगे. ये मैंने डेट्स और चेरी चॉप कर लिया है. कैसियो नट, किशमिश एंड पिस्ता, इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे. हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है. अब जो हमारी जितनी क्वांटिटी है, हम एक पैन लेंगे. इस तरह से हमने एक पैन लिया है, माइक्रोवेव पैन. अब इसमें हम इस तरह से घी लगा लेंगे अच्छी तरह से. पैन को अच्छी तरह से घी से पूरा कोटेड कर देंगे. जो हमारा, अब इसे हम इस पैन में इस तरह डालेंगे. इस तरह से हमने अपना पूरा जो क्वांटिटी है इसमें फैला दिया है. अब नेक्स्ट स्टेप में हम माइक्रोवेव को प्रीहीट करेंगे 180 डिग्री पर. हमने माइक्रोवेव को 180 डिग्री पर प्रीहीट कर दिया है. हमारा माइक्रोवेव 180 डिग्री पे प्रीहीट हो गया. अब हम इसे 10 मिनट के लिए बेक करेंगे. हमारा चेरी बार रेडी हो चुका है. अब इसको हम इस तरह से कट करेंगे. फ्रेंड, इस तरह से मैंने सारे पीसेस ऐसे पीस करके कट कर दिए हैं. अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे. आफ्टर प्लेटिंग के बाद हमारा देखिए ये तैयार है.
अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमने डेट्स यूज़ किया है जो कि हेल्थ के पर्पज़ से बहुत अच्छा है, और जो हमने यूज किया है ओट्स, ओट्स में फाइबर होता है और इसमें विटामिन सी होते हैं, कैल्शियम है और हेल्प इन बूस्टिंग इम्यून सिस्टम, जो कि हम किड्स जो खाएंगे उन तो अगर हम बड़े भी खाएं तो ये हमारे लिए बहुत हेल्दी है। सो प्लीज़ फ्रेंड ट्राई एट होम, इट्स वेरी हेल्दी। अगर आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें और बेल ऑप्शन ज़रूर क्लिक करें ताकि जो मेरे न्यू डिशेस के अपडेट हैं वो आप तक फर्स्ट पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।